गौतम बुद्ध नगर में तेजी से बढ़ते कोरोना का ग्राफ, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग हुआ चिंतित। गौतम बुद्ध नगर में बीते 24 घंटों में 125 नए कोरोना मरीज मिले हैं। अगर पिछले दो सप्ताह की बात करें तो कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 1606 पहुंच गया। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग बैठक समेत जागरूकता अभियान चला रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि अपने बच्चों को जरूर कोविड वैक्सीनेशन करवाएं, जिससे कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों को कम किया जा सके। मुस्तकीम सैफी की रिपोर्ट। देखिए, पिछले दो हफ्ते से हमारे जिले में एक बढ़ने का ट्रेंड चल रहा है और अब तो काफी संख्या बढ़ने लगी है, लगभग 150 के आसपास आवाज निकले हैं। तो ये चिंता का विषय है, जनता को जागरूक होना चाहिए। जनता के अंदर भी भय बिल्कुल नहीं है और बिना जनता के सहयोग के कोई कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता है। हम लोग टेस्टिंग बढ़ाने का प्रयास करें, लेकिन जनता के सहयोग से ही टेस्टिंग बढ़ पाएगी। बाकी वैक्सीनेशन के लिए मैं करूंगा कि लोग वैक्सीनेशन कराएं, इसीलिए केसेस जरूर बढ़ रहे हैं लेकिन कोई गंभीर अवस्था में नहीं है। शायद ये वैक्सीनेशन का परिणाम है। तो मेरा विभाग से ये भी अनुरोध है कि सब अपने बच्चों का टीकाकरण जरूर करवा लें, बड़ों का टीकाकरण तो लगभग हो चुका है। सर, बच्चे भी पिछले 24 घंटे में बताया जा रहा 12 पॉजिटिव आए हैं। 12 पर 165 में 12 आप समझ सकते हैं काफी कम है। सर, हमारी परसेंटेज हमें 10% से बिलो ही रहा है। सर, अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो जिले में वैक्सीनेशन कितना हो पाया है और कितना भी बचा है? देखिए, वैक्सीनेशन में तो हम प्रदेश में नंबर 1 है। अगर हम ओवरऑल कोविड की बात करते हैं तो हमारा फर्स्ट डोज लगभग 135%, सेकंड डोज 106% है। लेकिन अभी जहाँ पे हमारा कम है वो 15 से 17 में थोड़ा कम है सेकंड डोज, और वो भी इसलिए कि अभी स्कूल बंद है। स्कूल खुलेंगे तो उसके बाद हम उसको सेकंड डोज कवर कर देंगे जो हमारा रहता है। और हमारा 12 से 14 अभी शुरू हुआ है, कोई ज्यादा समय नहीं हुआ, तो इसमें अभिभावक से अनुरोध है कि वो आसपास के सेंटर पे जाकर रखवा लें। सर, लोगों से क्या? तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगर आपको दो ऐसी ही खबरों से तरोताजा रखना चाहते हैं तो हमारे चैनल द नेटवर्क न्यूज को जरूर देखें और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।